हेलो फ्रेंड्स, इट्स चिराग गुजराल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे ऐसे चैलेंज की जिसकी वजह से लड़कों ने अपना मुंह फोड़ लिया। और लड़कियों ने अपने लाते तोड़ लिए हैं। इस चैलेंज का नाम है इन माय फीलिंग चैलेंज। तो यार, मैं इस वीडियो में आपको ये नहीं बताऊंगा कि आपको इस चैलेंज में भंगड़ा कैसे डालना है और डांस कैसे करना है। आप इस चैलेंज के ऊपर फाड़ू ट्रांजिशन वीडियो कैसे बना सकते हो, इतनी सही ट्रांजिशन वीडियो कैसे बना सकती हो, आपको ऐसी ट्रांजिशन वीडियो बनानी है हर कोई उस वीडियो को देखता ही रह जाएगा और सोचेगा यार इसने कैसे ये वीडियो बनाई है। तो आज हम ऐसी वीडियो बनाएंगे। तो अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो प्लीज़ यार मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को क्लिक कर देना, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आती रहेगी और आप सबसे पहले मेरी वीडियो देख सकते हो यार। और ये मेरे सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम, म्यूजिकली, इन सब में फॉलो कर सकते हो। चलिए वीडियो देखते हैं। तो अगर आपको सॉन्ग की वर्डिंग नहीं पता तो आपको यार गूगल पे जाना है और गूगल पे वहाँ पे लिखना है ड्रेक की सॉन्ग लिरिक्स, तो वहाँ पे लिरिक्स आ जाएंगे इस सॉन्ग के। आप वहाँ से लिरिक्स देख सकते हो और फिर आराम से म्यूजिक क्लिप बना सकते हो। तो इस ट्रांजिशन का फर्स्ट स्टेप है कि यार हमें वीडियो लैप्स में बनानी है, क्योंकि यार हमें बहुत सारी ट्रांजिशन इस वीडियो में दिखानी है, तो हम वीडियो लैप्स में बनाएंगे। तो मैं स्टार्टिंग में लिपसिंग करूंगा, उसके बाद मैं ऐसे पंच मारूंगा, ऐसे फोन में ऐसे पंच दिखेगा। तो इस ट्रांजिशन का ये फर्स्ट स्टेप कि तो हमने ऐसे लिपसिंग की और उसके बाद मैंने लिपसिंग करके फिर मैंने ऐसे पंच मारा। इस ट्रांजिशन का सेकंड स्टेप है कि यार आपको एक पेज लेना है, उस पर आपको की लिखना है, आपको के उल्टा लिखना है और आई ऐसे लिखना है और के ऐसे लिखना है और आई ऐसे लिखना है, पूरा आपको ऐसे लिखना है, क्योंकि यार जब हम वीडियो शूट करेंगे तो ये उल्टा उल्टी चीज कैमरे में सीधी दिखेगी। और इस पेज के पीछे आपको टेप लगानी है, तो मैंने पीछे टेप लगाई हुई है, तो ये की है और पीछे टेप लगाया हुआ है, और वैसे ही असली में उल्टा लिखा हुआ है, कैमरे में आपको सीधा दिख रहा है। तो आप देख रहे हो आपको सीधा बिल्कुल दिख रहा है, बस असली में ये उल्टा लिखा हुआ है यहाँ पे। तो अब मैं पीछे टेप लगी हुई, तो मैं ऐसे करता हूँ, ऐसे ही यहाँ पे आ जाएगा, आ गया। और उसके बाद अब हम इसको लैप्स में शूट करेंगे, थोड़ा सा शूट करते हैं जहाँ पे हमने पंच रोका था वहाँ पे शूट करना। तो मैंने थोड़ा सा शूट कर लिया इसको, थोड़ा सा सीन शूट किया लैप्स में। और उसके बाद ये मेरा म्यूजिकली वाला फ़ोन है, आपको एक और फ़ोन चाहिए तो मैं म्यूजिकली वाले फ़ोन पॉकेट में डाल देता हूँ। मेरा एक और फ़ोन है ये वाला, और इस फ़ोन का मैं कैमरा खोलता हूँ और आपको इसकी पिक्चर क्लिक कर लेनी है। तो मैंने ऐसे कैमरा खोल लिया इस फ़ोन का और मैंने पिक्चर क्लिक कर ली। थर्ड स्टेप करूंगा, तो ये मैंने किकी वाली फोटो क्लिक की थी दूसरे फोन में, तो मैं इस फोन को मैं यहाँ पे ऐसे रख देता हूँ, तो मैंने चेयर के ऊपर रख दिया। और अब हम वीडियो लैप्स में शूट करेंगे, तो ये लैप्स में है, ये मेरे म्यूजिकली वाले फोन है, तो हमने अभी थोड़ी सी वीडियो बनाई है और अब मैं इसको ऐसे शूट करूंगा। हमें बिल्कुल आगे से ऐसे शूट करना है, ऐसे लिखेगा उसके अंदर से पंच में से निकला ये फोन। तो मैंने थोड़ा सा ही शूट किया, मैंने यहाँ से ऐसे किया, बस इस ट्रांजिशन का थर्ड स्टेप है। तो फोर्थ स्टेप में आगे हम स्पिनिंग ट्रांसफॉर्मेशन जैसे वीडियो बनाएंगे। तो यार हमें उसके लिए ट्राईपॉड चाहिए। मुझे पता है यार मेरे पास भी नहीं ट्राईपॉड है और आप में से कुछ लोगों के पास भी ट्राईपॉड नहीं है। तो यार अगर आपके पास ट्राईपॉड नहीं है तो यार आप घर में बना सकते हो, जुगाड़ लगा सकते हो। तो आपको दो बकेट चाहिए, तो एक बकेट ये है मेरे पास और इस बकेट को मैं चेयर पे ऐसे रखूंगा, ऐसे रख दिया मैंने ये बकेट को। और हमें ये वाली बकेट है, ये बकेट सीधी वाली है, तो इस बकेट को मैं ऐसे रखूंगा, ऐसे सपोर्ट रहेगी इसके नीचे, तो स्टैंड बन गया मेरा। और हमें फ़ोन यार एक ही जगह रखना है, तभी तो फ़ोन को हिलाना नहीं है। और आगे हम एक बोतल है मेरे पास, तो इस बोतल को मैं ऐसे रखता हूँ, ऐसे रख दिया। और ये मेरा म्यूजिकली का फ़ोन है, तो आगे हमें टाइमर लगा के वीडियो बनानी है ना, तो मैं इस फ़ोन को ऐसे रखूँगा ऐसे सामने बिल्कुल, तो आगे मैं ऐसे एक्टिंग करूँगा सामने और टाइमर लगा के वीडियो शूट होगी। तो अब मैं टाइमर लगाऊंगा, थोड़े से सेकंड का मैं टाइमर लगाऊंगा। तो अब मैं टाइमर पे क्लिक करता हूँ, टाइमर लगाया, आप देख सकते हो स्क्रीन में। तो अब मैं ऐसे आ गया आऊँगा, ऐसे आ गया आऊँगा, ऐसे डील करूँगा, फिर मैं ऐसे करूँगा और साथ ही वीडियो रुक जाएगी। तो आपको उस हिसाब से टाइमर लगाना है कि आप ऐसे भी कर लो, आगे डील भी दिखा दो वीडियो में और आप ऐसे स्पिन भी कर लो, तो आपको उस टाइप से टाइमर लगाना है। तो अब मैं टाइमर टैप पर क्लिक करता हूँ, ये शूट होने लगा। तो ये शूट हो गया, मैं ऐसे आ गया और मैंने ऐसे किया,
आपको इतना स्टेप समझ आ गया। फोर्थ और फिफ्थ स्टेप में अब हम मैं ड्रेस चेंज कर लेता हूँ। तो फिफ्थ स्टेप में मैंने अभी ड्रेस चेंज कर ली है, आप देख सकते हो। और फोर्थ स्टेप में मैंने ऐसे दिल आगे रख के मैंने ऐसे किया था, तो आपको याद है मैं इस साइड गया था फोर्थ स्टेप में। और फिफ्थ स्टेप में हम स्पिन को कंप्लीट करेंगे, तो मैं यहाँ से ऐसे आऊँगा क्योंकि स्पिन कंप्लीट होगा ऐसे ही, और फिर मैं हैंड को ऐसे करूँगा आगे की तरफ। तो चलो करते हैं फिफ्थ स्टेप। तो मैं टाइमर पे जाता हूँ, टाइमर पे गया, थोड़ा सा हमें शूट करना है, तो आप देख सकते हो स्क्रीन में मैं टाइमर पे गया। मैं टैप शूट पे क्लिक करूँगा, तो इतना शूट हो गया। मैंने ऐसे किया बस, मैं यहाँ से ऐसे आया और मैंने ऐसे किया। तो सिक्स स्टेप में कार में जाके शूट करूंगा। तो अगर आपके पास कार नहीं है तो यार आप ऐसे ऐसे करके कार से स्टीयरिंग जैसे ऐसे वीडियो बना सकते हो आगे। और जो भी मैं कार में ट्रांजिशन कर रहा हूँ आप नॉर्मल ऐसे ट्रांजिशन को कर सकते हो। तो जैसे कि मैं कार में आ गया हूँ और आप देख सकते हो, और हमने अभी इतनी म्यूजिकली बना ली है। तो जब राइड लाइन आएगी तो हम अपना हैंड ऐसे रखेंगे, स्टीयरिंग में रखेंगे और इसको ऐसे करेंगे। लैप्स में शूट कर रहा हूँ, तो आर यू राइडिंग, तो मैंने ऐसे किया। तो अब मैं आगे वीडियो फास्ट में सारी शूट करूंगा, मैं ऐसे लिपसिंग करूंगा और फिर मैं यहाँ पे ऐसे रोक दूंगा। तो इसका ये नेक्स्ट स्टेप है, तो फास्ट में मैं शूट करूंगा, तो यहाँ पे रोक दिया मैंने। अब मैं नेक्स्ट स्टेप करूंगा तो मैं गॉगल्स पहन लूंगा, जो तो ऐसे कि मैंने गॉगल्स पहन लिया इस स्टेप में, और मैं अपना फ़ोन यहाँ से ऐसे लेके आऊँगा और फिर मैं इस साइड देखूंगा और फ़ोन को फिर इधर कर दूंगा। तो इसका ये नेक्स्ट स्टेप है। चलो शूट करते हैं, ये भी हम फास्ट में शूट करेंगे। तो आगे वर्ड बिसाइड मी होगा, तो हमें यहाँ पे ऐसे रोक दूंगा, बिसाइड मी ऐसे कोई लाइन होगी। तो यहाँ पे मैंने रोक दिया, बिसाइड मी ऐसे मैंने यहाँ पे रोक दिया, आपको इतना समझ आ गया। तो अब मुझे एक और फ़ोन चाहिए, तो ये मेरा म्यूजिकली वाला फ़ोन है और ये मेरा दूसरा फ़ोन है। तो आप देख सकते हैं मेरा दूसरा फ़ोन, तो इस फ़ोन का मैं नॉर्मल कैमरा ओपन करूँगा और ये चीज़ को मैं फ़ोटो क्लिक कर लूँगा। इस साइड में भी मैंने ऐसे कैमरा रखा था इस साइड, तो अब मैं यहाँ की बैकग्राउंड की फ़ोटो क्लिक कर लेता हूँ ऐसे पीछे की। तो मैंने फ़ोटो क्लिक कर लिया, हमने फ़ोटो क्लिक की थी पीछे की बैकग्राउंड की, दूसरे फ़ोन में मेरा दूसरे फ़ोन है। और उसके बाद अब हम इस वीडियो कैसे शूट करते हैं, तो मैं लैप्स में शूट कर रहा हूँ अब। तो ये बैकग्राउंड से थोड़ा सा हमने शूट किया, और आगे मैं मल्टीपल फ़ोन वाली ट्रांजिशन करूँगा। तो अगर आपको नहीं पता मल्टीपल फ़ोन कैसे करते हैं, तो आप मेरी मल्टीपल फ़ोन वाली वीडियो देख सकते हो, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। तो इस वीडियो में मैं आपको मल्टीपल फ़ोन नहीं बता रहा, क्योंकि यार वो अगर मैं बताऊँगा आपको मल्टीपल फ़ोन तो वीडियो और भी लंबी है बन जाएगी। आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। तो आगे मैंने मल्टीपल फ़ोन वैसे बना लिया, तो आप देख सकते हो मैंने अभी तक इतनी वीडियो बना ली, आगे मल्टीपल फ़ोन मैंने बनाया, आप देख सकते हो ना मल्टीपल फ़ोन बीच में आपको दिखेगा। ये मल्टीपल फ़ोन है, और ये टेक्स्ट के लिए जो मैंने टेक्स्ट बीच में डाले हैं वो मैंने इंस्टाग्राम की स्टोरी से डाले हैं। तो सेवन स्टेप में अब हम वीडियो फास्ट में शूट करेंगे। मैं अपना फ़ोन यहाँ से ऐसे लेके आऊँगा और फिर मैं यहाँ से ऐसे नीचे रोक दूंगा, और उसके बाद मैं फ़ोन को उल्टा कर दूंगा और फिर मैं यहाँ से ऐसे करूँगा। तो ये सेवन स्टेप है, चलो करते हैं। यहाँ से पहले मैं ऐसे लेके आया, नीर यहाँ पर रोक दिया सेवन स्टेप में, और उसके बाद अपने फ़ोन को उल्टा कर देता हूँ, उल्टा कर दिया। ये भी हमने फास्ट में शूट किया, और मैं यहाँ से बस यहाँ से ऐसे किया बस। तो ये सेवन स्टेप आपको समझ आ गया, यहाँ से ऐसे फ़ोन आया, फिर हम यहाँ पर रोक दिया और फिर हमने फ़ोन को उल्टा कर दिया और यहाँ से ऐसे कर दिया। और एट स्टेप में हम कोई डार्क रूम में जाएंगे, आगे लाइट से शूट करेंगे। तो एट स्टेप में मैं डार्क रूम में आ गया हूँ, आप देख सकते हो। तो यार ये सेल्फी लाइट है, मैं यूज़ कर रहा हूँ, आप इसको अमेजोन से भी ले सकते हो। तो अगर आपके पास सेल्फी लाइट नहीं है तो आप दूसरे फ़ोन की फ्लैश लाइट से वीडियो बना सकते हो। टैप्स में शूट करूँगा, तो ये एट स्टेप है। तो मैंने अपने फ़ोन में अपने हैंड पे लाइट पकड़ी हुई है ये वाली, तो मैं ऐसे शूट करूँगा ऐसे बस। तो ये एट स्टेप है, पहले हम इतना शूट करते हैं। तो मैं लैप्स में कर देता हूँ, थोड़ा शूट करता हूँ, ऐसे किया बस, लाइट के ऊपर ऐसे फ़ोन मारा। तो ये आपको एट स्टेप का ये पार्ट समझ आ गया। उसके बाद अब हम अपने फ़ोन का फ्रंट कैमरा ओपन करते हैं, ओपन कर लिया मैंने, और अब मैं ये लाइट को ऐसे पकड़ूंगा, यहाँ से ऐसे करूँगा, फिर मैं ऐसे करूँगा ऊपर की तरफ। तो ये आगे का एट स्टेप का पार्ट है, तो हम करते हैं। तो आपको समझ आ गया, मैंने ऐसे किया लिपसिंग की, उसके बाद मैंने
ऐसे कर दिए ऊपर की तरफ। तो चलो 9 स्टेप करते हैं। तो 9 स्टेप में मैं टाइमर लगाता हूँ और मैं अपना हैंड ऊपर की तरफ करूंगा और ये शर्ट ऐसे हवा में फेंकूंगा और साथ ही ये वीडियो रुक जाएगी जब ये हवा में शर्ट होगी। तो आपको टाइमर ऐसा लगाना है जिससे ये हवा में शर्ट रहे। तो आपको ऐसा टाइमर लगाना है। मैं टाइमर पर जाता हूँ, थोड़ा सा टाइमर लगाऊंगा। तो टैप शूट पे चलो शूट करो ऐसे हैंड ऊपर। तो हमने इतना शूट कर लिया, मैंने मतलब हैंड ऊपर किया और उसके बाद मैंने ऐसे फेंक दी शर्ट। तो ये शर्ट मेरी हवा में रही। तो आप नेक्स्ट करके देख सकते हो, आगे जाके नेक्स्ट करके देख सकते हो आपका कितनी वीडियो बनी है और आपकी शर्ट हवा में है कि या नहीं। तो अगर हवा में होगी तो अच्छी बात है, आपकी हवा में वीडियो शूट होगी है शर्ट वाली, ऐसा सीन मैंने हवा में फेंका। तो अगर हवा में नहीं शूट हुई होगी तो आप फिर से आपको ये सीन लेना है, देखना कि शर्ट ऐसे हवा में यहाँ पे कैमरा रुक जाए, ये शर्ट हवा में ही होनी चाहिए और यहाँ पे कैमरा रुक जाए। तो अब मैं 10 स्टेप करने लगा हूँ। तो ये मैंने शर्ट, यही शर्ट मैंने ऐसे फेंकी थी, आप देख सकते हो मैंने वही शर्ट अभी पहन लिया। तो ये शर्ट अब मैं टाइमर लगाऊंगा और मैं ऐसे खड़ा होऊंगा, हमने इस साइड शर्ट फेंकी थी ना, तो मैं ऐसे खड़ा होऊंगा और फिर मैं ऐसे करूंगा और फिर मैं ऐसे फोन में ऐसे कैमरा ऐसे रोक दूंगा हाथ से। तो ये 10 स्टेप है, चलो 10 स्टेप करते हैं। मैं टाइमर लगाता हूँ, थोड़ा लगाया टाइमर, टैप शूट भी क्लिक किया और मैं ऐसे खड़ा होता हूँ। बस मैं यहाँ, हमने यहाँ पे शर्ट फेंकी थी और मैं ऐसे आया, टाइमर चालू हो गया, मैंने ऐसे किया, मैंने ऐसे किया और उसके बाद मैंने हैंड ऐसे कर दिया, कैमरे को ऊपर रख दिया और वीडियो रुक गई। तो 11 स्टेप में यार मैं गॉगल्स पहन लूंगा ऐसे। और आपको 10 स्टेप तो यार याद होगा, 10 स्टेप में हमने ऐसे शर्ट हवा में फेंकी थी 9 स्टेप में, और 10 स्टेप में हमने ऐसे पहन ली थी शर्ट को और फिर मैंने ऐसे हैंड से कैमरा रोक लिया था। तो ये 10 स्टेप था। और 11 स्टेप में मैंने कि जैसे कप ड्रेस चेंज कर ली है आप देख सकते हो। और अब मैं यहाँ से टाइमर लगाऊंगा, फिर मैं यहाँ से ऐसे करूंगा और फिर मैं बस ऐसे करूंगा। तो ये 11 स्टेप है जो कि हमारा लास्ट स्टेप। चलो टाइमर लगाते हैं। तो ये हमारा लास्ट स्टेप है। तो जैसे कि वीडियो बन गई है, चलो देखते कैसी बनी है वीडियो। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करना, कमेंट करना और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो फिर भी कमेंट करना और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना याद से और बेल आइकन को क्लिक कर देना, इससे आप मेरी वीडियो सबसे पहले देख सकते हो और आपको नोटिफिकेशन आती ही रहेंगी। और मुझे प्लीज यार इंस्टाग्राम में फॉलो कर देना और म्यूजिकली भी यार फॉलो कर देना, आप लोग करते नहीं हो फॉलो। और मेरे म्यूजिकली का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है और इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। चलो बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।